आज हम लोग क्लास 11 समुच की प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा है, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक जिसके वे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, ये समष्टि समुच्चय है। ये इसमें एक ए दिया हुआ है, कभी एक समुच्चय दिया है ए, 1, 2, 3, 4, और दूसरा समुच्चय है बी जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, और सी दिया है, एक सी दिया है समुच्चय, तो इसके अवयव हैं 3, 4, 5, 6। तो इसमें लिखा है पहला, देखिए तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला भाग में है ए डैश निकालना है ना, मतलब ए का पूरक ज्ञात करना है हमको, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसका क्या होता है, इसमें होता है जैसे ए डैश निकालना हो तो इसको बोलते हैं यू माइनस ए। मतलब देखिए ये है समष्टि समुच, है ना, इसमें वो अवयव जो ए में ना हो, यहाँ हमको ए का डैश या ए का पूरा ज्ञात हो जाएगा हमें, तो इसमें लिखेंगे। देखिए अगर चाहें तो इसको पूरा समुच्चय भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस ए के अवयव लिख लेते हैं अब, 1, 2, 3, 4। तो इसमें है देखिए ए डैश का मतलब वे अवयव जो ए में हैं मगर बी में नहीं हैं। देखिए ए है, यहाँ भी ए है, तो ए को नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ है वहाँ भी है, 3 यहाँ भी है वहाँ भी है, 4 यहाँ है वहाँ भी है, तो 5 यहाँ है मगर वहाँ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार ए डैश प्राप्त हो गया। दूसरे भाग में है बी डैश, तो बी डैश का मतलब देखिए जो भी बी में अवयव हैं उनको, और जो देखिए समिष्टि समुच में ये अवयव को नहीं लिखना है, तो मतलब वे अवयव जो इसमें हैं मगर इसमें नहीं हो, ठीक ना, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं यू माइनस बी लिख लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें हम बी के सभी अवयवों को लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। तो इस प्रकार देखिए ए यहाँ है वहाँ नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, 2 है यहाँ भी है, 3 यहाँ है वहाँ नहीं है, और 4 है 4 है 5 लिख लेंगे, फिर 6 भी है 7 नहीं है तो 7 लिख लिए, 8 है और यहाँ 9 है। तो इस प्रकार बी डैश फाइंड हो गया। थर्ड देखते हैं, तो तीसरा भाग में है ए यूनियन सी, है ना, ए सम्मिलन सी का पूरक ज्ञात करना है, तो हम पहले ए सम्मिलन सी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले ए के अवयव लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, सम्मिलन सी है 3, 4, 5, 6। अब इसमें लिखेंगे वो सभी अवयव लिख लेते हैं जो ए में हैं और सी में हैं, और जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको केवल एक बार लिखेंगे, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, और 3, 4 की पुनरावृत्ति है तो उसको एक बार लिख लिया है। अब लिखेंगे 5, 6, अब इसका डैश निकाल लेते हैं, तो ए सम्मिलन सी का पूरक बराबर, तो हमको इसमें से जो समिष्टि समुच्चय उसमें से इस अवयव को हटाकर जो यहाँ अवयव बचेंगे उनको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना, या तो इसको इस तरह पूरा लिखिए फिर इसको आप हल करिए, या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। तो देखिए ए सम्मिलन सी में जो भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पूरक में ये अवयव नहीं होंगे,
तो देखिए एक से लेकर छः तक ये पूरे हैं, सात आठ नौ ये हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो सात आठ ये नौ लिख लिया, इस प्रकार लिख लिया, या तो हम यहाँ पर u माइनस लिख कर हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन तीसरा भाग हो गया। अब प्रश्न नंबर चौथा भाग देख लेते हैं। चौथा भाग में है a सम्मिलन b का पूरक। तो हम पहले a सम्मिलन b ज्ञात कर लेते हैं। तो a सम्मिलन b में यहाँ से आप इसको देखकर सीधे यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। या तो पहले a के a समुच्चय के सभी अवयव लिख लेते हैं, सम्मिलन b के सभी अवयव लिख लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं a दो तीन चार सम्मिलन, और b का कितना है दो चार छ आठ। तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा एक दो तीन चार और ये है छः आठ हो गया। अब इसका पूरक ज्ञात करेंगे, मतलब वे सभी अवयव जो ए सम्मिलन बी में न हो, ठीक ना। तो समिष्टि समुच्चय में से इन अवयवों को हटा देंगे तो जो बचेगा वो यहाँ पूरक में लिखा जाएगा। तो देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ये हट जाएंगे, ये बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइनस ए सम्मिलन बी, ठीक ना। इसको ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पर U के जितने भी अवयव हैं उनको यहाँ से एक से लिख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और फिर यहाँ लिखें A यूनियन B का जो भी अवयव हैं, यहाँ लिखेंगे एक दो तीन चार छ आठ। अब इसमें वो अवयव लिखेंगे जो A इसमें है मगर उसमें न हो। तो देखिए यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, दो तीन चार यहाँ तक तो दोनों में है, इसलिए इसके आगे नहीं लिखेंगे, पाँच को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पाँच है उसमें पाँच नहीं है। तो पाँच लिख लिया, छः दोनों में है, सात नहीं है तो सात लिख लिया, आठ दोनों में है ये नौ लिख लिया। तो इस प्रकार चौथा भाग हो गया। पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा में है ए के पूरक का पूरक। तो हम पहले इसमें ए का पूरक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसके ए के पहले भाग में भी ए पूरक ही ज्ञात करना था, तो हम यहाँ ए पूरक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब u माइनस ए होता है। तो हम इसमें सीधा ऐसे कर सकते हैं, इस सभी इन अवयवों में से इस अवयव को हटाकर जो बचेंगे वो हम लिख लेंगे, ठीक ना। ए डैश का मतलब होता है जो ए में है तो ए डैश में नहीं होगा। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार यहाँ से जो बचा इसको हम यहाँ ए डैश में लिख लेते हैं। तो पाँच छ सात आठ नौ, ठीक ना, ये डायरेक्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर a डैश निकालने के लिए आप u माइनस ए भी लिख कर फिर इसके अवयव को लिख कर फिर इसको हल कर सकते हैं। अब इस प्रकार a डैश का डैश लिखेंगे, a डैश का डैश मतलब ये a ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए a डैश में जो अवयव हैं वो अब समिष्टि समुच्चय में नहीं होने चाहिए। तो पाँच छः सात आठ नौ, पाँच छः सात आठ नौ ये नहीं, हटाकर जो बचे उसको यहाँ लिख देंगे। तो देखिए वन टू थ्री फोर, तो देखिए ये ए ही आ गया, ठीक ना। समुच एक ही सभी अवयव प्राप्त हो गए। तो मतलब किसी भी समुच का पूरक अगर लें तो वही समुच हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद छठवां भाग देख लेते हैं। तो छठवें में है सिक्स, इसमें लिखा है बी माइनस सी का पूरक। तो पहले हम बी माइनस सी लिख लेते हैं। तो बी माइनस सी पहले ज्ञात कर लें। तो बी के हुए अवयव लिख लेते हैं पहले, दो चार छ आठ, और फिर इसके बाद सी के अवयव लिख लेते हैं। तो तीन चार पाँच छ, तो इस प्रकार देखिए यहाँ वे अवयव लिखना हमको इसमें जो इसमें हो मगर इसमें न हो। तो देखिए दो यहाँ है वहाँ दो नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे, चार है वहाँ भी चार है, छः वहाँ भी है नहीं लिखेंगे, बस ये आठ यहाँ है मगर वहाँ नहीं है। अब इसका पूरक ज्ञात कर लेते हैं। तो b माइनस सी का पूरक मतलब जो अवयव b माइनस सी में है उनको इस समष्टि समुच्चय में से हटाकर जो बचेगा उसको यहाँ हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें केवल दो और आठ को हटाना है, ये और ये हटाकर जो बचा उनको पूरा लिख देंगे। तो एक
तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं लिखेंगे, ये नौ लिख लिया। इस प्रकार बी माइनस सी का पूरक भी ज्ञात हो गया। तो ये प्रश्न नंबर एक के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में है, देखिए इसमें U लिखा हुआ है ना, समिष्टि समुच्चय है ये, मतलब ये सबसे बड़ा समुच्चय है। A B C D E F G H, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो इनके पूरक ज्ञात करना है। पहला A है, A बराबर A B C, तो इसमें ए का पूरक ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब इस समिष्टि समुच्चय में जो ये पूरक हैं उनको इनमें से हटाकर जो बच जाएंगे उनको यहाँ ए पूरक लिखाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, ए और ए डैश अगर इनका सम्मिलन ज्ञात करें तो देखिए ए में वे अवयव और ए डैश में वे अवयव अगर इनको सम्मिलन ज्ञात करेंगे तो ये हमको यू प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। इसका मतलब इसके जो अवयव ए बी सी यहाँ लिखे हुए हैं तो ए डैश में जो बचेंगे वो अभी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, ए बी सी छोड़कर यहाँ से लिख लेंगे तो जगह डी ई एफ जी एच, इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ए डैश ज्ञात करना हो तो हम यू माइनस ए लिख कर हम इनके अवयव यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि वे अभी हमको यहाँ ए डैश प्राप्त होगा जो इसमें लिखा है मगर इसमें नहीं लिखा हो। तो देखिए यहाँ ए लिखा है, यहाँ भी ए लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, सी लिखा है, अब ये हमको नहीं लिखा तो हम यहाँ लिख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा डी ई एफ जी एच। तो इस प्रकार ए डैश ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा भाग है इसका बी, तो बी के अवयव कौन से हैं, डी ई एफ जी, तो बी डैश क्या हो जाएगा, तो इसमें इसमें से जो डी ई एफ जी है, डी ई एफ जी इनको छोड़कर जो यहाँ बचेंगे उनको यहाँ लिख देंगे, तो लिखेंगे ए बी सी और H, तो इसका B डैश ज्ञात हो गया। देखिए तीसरा भाग में है C, C बराबर इसमें लिखा अवयव A C E G, तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा A C E और G, तो जो बच गए इनको यहाँ लिख देते हैं। देखिए बचा B D F H, तो ये हो गया। चौथा भाग देख लेते हैं, चौथे भाग में डी, डी समुच्चय जिसके अवयव दिया है या सी डैश हो गया और एफ जी एच ए, तो डी डैश हो जाएगा। तो इसमें एफ देखिए यहाँ है, ये एफ जी एच ए, तो क्या बच गया यहाँ B C D E बच गया। तो इस प्रकार इनके सभी पूरक ज्ञात हो गए, प्रश्न नंबर दो के सभी भाग हल हो गए। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में है लिखा, इसमें क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो देखिए इसमें है आपको एक समिष्टि समुच्चय लिखना है जिसका, जैसे U बराबर X इस प्रकार है कि X एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक ना। ये एक समिष्टि समुच्चय बन गया। इसी के अंदर अब इन समुच्चयों को हम हल करेंगे। तो देखिए ये बना लिया, देखिए इसको अगर आप ये है समुच्चय निर्माण रूप में और इसको सारणिक रूप में लिखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच ये हो जाएगा, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ये। अब इसके अंदर देखिए लिखा है इसमें सभी इन सभी समुच्चयों का ये हमको पूरक ज्ञात करना है।
तो पहला क्वेश्चन लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो हमको इसका पूरक ज्ञात करना है, ठीक ना, डैश ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक या प्राकृत विषम संख्या है ना, सम संख्या का पूरक सम संख्या और सम संख्या का पूरक विषम संख्या हो गया, तो इसका ये पूरक ज्ञात हो गया। इस प्रकार देखिए दूसरे भाग में लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक विषम संख्या है, तो हम इसका अगर पूरक ज्ञात करें तो क्या आएगा, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक सम संख्या है, सम संख्या है, इस प्रकार हो गया। देखिए ये है समुच्च निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसका पूरक भी समुच्च निर्माण रूप में ही लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक ना, धन गुणज का मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, ठीक ना, ये सब दिया हुआ है, धन गुणज है 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है। तो इसका देखिए पूरक क्या आएगा, तो इसका अगर हम पूरक ज्ञात करें तो पूरक का मतलब देखिए प्राकृतिक संख्याओं में ये संख्या को हटा दीजिए तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1, 2, 3 यहाँ है ही, 4, 5, 6 है, 7, 8 ये 9 है, ये 10, ये 11, मतलब ये सब संख्या हमको प्राप्त होगी, मतलब वे संख्याएं प्राप्त होंगी जो 3 का गुणज नहीं होगा। तो हम यहां लिखेंगे इसका पूरक यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष देखिए अवयव है प्राकृतिक संख्या का और तीन का एक धन गुणज नहीं है, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। देखिए इसमें है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है, तो यहां लिख देंगे यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना, तो इसका पूरक ज्ञात हो गया। देखिए अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार ये संख्या हमको प्राप्त होगी। तो देखिए इसका अगर पूरक ज्ञात करें तो इसका पूरक क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, देखिए 1, फिर 2 है यहाँ, 3 है यहाँ, 4 हो जाएगा, 5 है, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 11 तो है यहाँ पर, यहाँ 12, 14, 15, ठीक ना, तो इस प्रकार हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए ये संख्या क्या है, ये संख्याएं देखिए इसमें भाज्य संख्याएं भी है, ये भाज्य संख्याएं हैं ये, ठीक ना, इसमें बस ये जो एक है वो एक भाज्य संख्या नहीं है, बाकी इसके आगे वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या प्राप्त हो रही हैं, ठीक ना। जो एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या तो हमको पूरक में क्या मिलेगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं को हम भाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, जो संख्या अभाज्य नहीं है वे भाज्य हो सकती हैं। तो इसका देखिए इसके स्थान पर हम इसको और भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष एक भाज्य संख्या है और यक्ष बराबर 1, ठीक ना, चूंकि भाज्य संख्या यहाँ से प्रारंभ होती है, 4 से होती है, भाज्य संख्या वे होती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। इस प्रकार ये भाज्य संख्या यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, तो इसलिए अगर पूरा सेट अगर इसको बनाएंगे तो एक को हम यहाँ पर अलग से लिख कर दिखा देंगे, ठीक ना, मतलब ये सभी भाज्य संख्याएँ और एक हो जाएंगी, ठीक ना, एक को भी हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो लिखेंगे
यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार इसका पूरक ज्ञात हो गया। अब देखिए ये लिखा है, ये एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष अवयव है प्राकृतिक संख्या का और यक्ष एक पूर्ण संख्या यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार देखिए लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक पूर्ण धन पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये इस प्रकार हो गया। अब इसका देखिए पूरक ज्ञात करेंगे तो हम इसमें पहले यक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो लिखा है देखिए यक्ष प्लस 5 = 8, तो इससे यक्ष बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको इसका पूरक ऐसा प्राप्त होगा जो 3 न हो वहाँ पर, तो हम इसको लिख लेंगे यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष अवयव है प्राकृतिक संख्या का और यक्ष बराबर नहीं है 3 से, ठीक ना। तो इस प्रकार 8वां हो गया। देखिए इसमें 9वां भाग है, यक्ष इस प्रकार है कि 2x + 5 = 9 है, ठीक ना। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। लिखा है 2x + 5 = 9, इससे जाएगा ये पक्षांतर जाएगा तो 9 में 5 गया 4 और यक्ष बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव हो प्राकृतिक संख्या का और यक्ष बराबर 2 के न हो। तो इस प्रकार ये इसका पूरक ज्ञात हो गया। 10वां देखते हैं। 10वां में लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष बड़ा है बराबर है 7 से, तो हम यहाँ लिखेंगे यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव हो प्राकृतिक संख्या और यहाँ और भी लिख सकते हैं या कॉमन लगा सकते हैं, यक्ष छोटा हो 7 से, तो इसका पूरक ज्ञात हो गया। अगर ये बड़ा है बराबर है तो ये छोटा है बराबर होना चाहिए। 11वां भाग है, यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव है प्राकृतिक संख्या और 2x + 1 = 10 के, ठीक ना। तो बड़ा है तो इसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए 2x + 1 = 10, ठीक ना। बराबर करके हम इसको हल करके पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 9/2, ठीक ना। मतलब अगर बड़ा का चिन्ह लगा रख रहे हैं तो बड़ा भी देख लेते हैं। देखिए ये होना चाहिए, ये बड़ा है 9/4 मतलब 4.5 से, तो 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या मिलेगी, तो ये मिलेगी हमको 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका पूरक हम ये लिख सकते हैं। देखिए इससे बड़ा तो ये है तो इसका पूरक में इससे छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक ना। और इसी को अगर समुच्चयमान रूप में लिखें तो लिखते हैं यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव हो प्राकृतिक संख्या का और यक्ष, ये देखिए बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, यक्ष छोटा है या बराबर है इसको पूरा ही लिख लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये लिखेंगे यक्ष बड़ा है तो छोटा है बराबर है 9/2 से, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका पूरक ज्ञात हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको ऐसी संख्या जो छोटा हो और बराबर हो 9/4 से, मगर यहाँ पर यक्ष का मान प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो देखिए 9/4 के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि 4.5 प्राकृतिक संख्या नहीं आता, तो हम इससे छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या क्या मिलेंगी, तो देखिए 4.5 से छोटी संख्या में पहली प्राकृतिक संख्या 4 मिलेगी, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा, ठीक ना। तो ये देखिए इसमें है 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या यहीं शुरू होती है, देखिए यहाँ 4.5 है, ठीक ना, 4.5 दिया है, तो इससे छोटी प्राकृतिक संख्या में हमको यही संख्या प्राकृतिक संख्या मिलेंगी।
ठीक ना। तो ये हमको ये लिख दिया है सारणी रूप में लिख दिया, ये समुच्च निर्माण रूप में लिख दिया। तो प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, एक समष्टि समुच्च दिया हुआ है यू बराबर 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए हैं इसके अंतर्गत 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक समुच्च दिया हुआ है ए बराबर 2, 4, 6, 8 और बी दिया है 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित करना है हमको। तो पहला देखिए क्या सत्यापित करना है, ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक, ठीक ना। और ये डी मॉर्गन लॉ ही है। तो इसमें लिखा है दूसरा भाग दिया ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक ए पूरक सम्मिलन बी का पूरक। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें पहले लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखिए क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है ना, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए सम्मिलन बी का पूरक, हम पहले इसमें सम्मिलन ज्ञात कर लेते हैं। तो सम्मिलन में एक अव्यय कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। सम्मिलन बी है 2, 3, 5, 7। तो इनका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनका पूरक प्राप्त हो जाएगा ए सम्मिलन बी का पूरक। मतलब इस समष्टि समुच्चय में जो ये अवयव हैं इनको हटाकर जो बच जाएगा उनको हम लिख लेंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसमें क्या बचा, यहाँ 1 बच गया और ये 9 बच गया। तो इनके पूरक के अवयव प्राप्त हो गए। अब लिखते हैं देखिए दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में है ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक। तो हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश का मतलब था यू माइनस ए, ठीक ना। तो यू माइनस ए मतलब यू में ए के सभी अवयव को हटाकर जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये जो देखिए ये जो बच गया 2, 4, 6, 8 ये हैं और जो बच गया आप यहाँ लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और बी का पूरक। तो बी हटा लेते हैं, देखिए ये वाला इसमें से हटा लेंगे तो यहाँ बचेगा देखिए 2, 3, 5 और 7 ये हट जाएंगे तो बचेगा क्या 1, 4, 6, 8 और ये 9। तो इसका देखिए ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इनके जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो उसको यहाँ हम लिखेंगे। तो देखिए इनमें एक है, चाहे तो आप इनको यहाँ पहले लिख कर सर्वनिष्ठ का लगाकर फिर इसको हल कर सकते हैं। देखा यहाँ इसमें दोनों उभयनिष्ठ है ए और इसमें ये 9 उभयनिष्ठ है और कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम यहाँ पर 1 और 9 लिख दिए। तो इस प्रकार देखिए बाएं पक्ष का भी जो आया 1, 9 यहाँ दाएं पक्ष में भी 1, 9 आया। इस प्रकार लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार ये सत्यापित हुआ, ठीक ना, सत्यापित हो गया। इसी प्रकार दूसरे भाग को भी देख लेते हैं। तो दूसरे भाग में देखिए ए सर्वनिष्ठ बी पहले ज्ञात करेंगे। पहले बायां पक्ष तो लिखेंगे पहले ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक ज्ञात करना है हमको। पहले हम ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए के अवयव लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, ठीक ना। फिर सर्वनिष्ठ, फिर बी का अवयव लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक ना। देखिए आप चाहे तो इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी क्या है, या चाहे तो आप इस तरह लिख कर फिर इसमें दिखा सकते हैं। तो सर्वनिष्ठ का मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव हो, तो 2, 2 ये 2 हो गया, 4, 6, 8 इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 2 भर है और इसका पूरक ज्ञात कर लेते हैं। तो ए सर्वनिष्ठ बी पूरक, तो
तो इसका मतलब जो ए समनिष्ट बी में ये जो अवयव है उसको इसके समिष्टि समूह से हटाकर जो बचा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो केवल दो को हटाना, तो एक तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब दायां पक्ष देख लेते हैं। तो दायां पक्ष में है ए पूरक सम्मिलन बी पूरक। तो ए पूरक क्या है, देखिए ए पूरक हमने यहाँ निकाला भी था, ठीक ना। तो यहाँ है एक तीन पाँच सात नौ, और बी पूरक क्या है, बी पूरक मतलब जो बी में है वो अवयव इसमें से नहीं लिखेंगे, अब इसको हटा के लिख देंगे। तो क्या बचा, क्या प्राप्त होगा, एक चार छः आठ नौ। अब इसका सम्मिलन ज्ञात कर लेते हैं, ए पूरक सम्मिलन बी पूरक बराबर, तो इन दोनों, अब इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लिख लेंगे। तो लिखा एक तीन चार पाँच छः सात आठ, ये 9 हो गया। तो इनका देख लेते हैं, देखिए दोनों एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देखिए दोनों बराबर आया है। तो लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित, है ना, या तो सत्यापित हुआ। तो प्रश्न नंबर 4 के हो गए। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन डायग्राम बनाना है। इसमें पहला है ए सम्मिलन बी का पूरक, ठीक ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो देखिए पहले ए सम्मिलन बी ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें बनेगा, ये है समिष्टि समुच बना लिया, इसके अंदर दो अवयव बना लेते हैं, समुच बना लेते हैं, ए और ये बी हो गया, ये यू ये ए और ये बी। अब बोला इसमें देखिए सम्मिलन है, ठीक ना। तो सम्मिलन मतलब ए और बी के दोनों अवयव और उभयनिष्ठ अवयव भी साथ में लिखाएंगे। तो देखिए इसको हम छायांकित कर देते हैं, ये छायांकित कर दिया, इस प्रकार ये छायांकित हो गया। ये ए यूनियन बी ज्ञात हो गया। अब देखिए इसका पूरक ज्ञात करना है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर जो भी समिष्टि समुच बचा उसको करना है। तो देखिए इसको अगर हम हटा दें तो केवल ये वाला पोर्शन बच जाएगा, तो हम इसको डॉट डॉट कर देते हैं। तो ये हो गया, ये हमने दिखा लिया, इसको ए यूनियन बी भी दिखा दिया और इसका कंप्लीमेंट भी दिखा दिया। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन बी को हमने कैसे दिखाया है, इस तरह छायांकित भाग से दिखाया है, ठीक ना। और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को कैसे दिखाया है, तो हम इसको डॉट 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 से दिखाए हैं, इस प्रकार, ठीक ना। तो ये हो गया, या आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये रहा, इसको पूरा समष्टि समुच बना लिया और इसके अवयव ए और ये बी हो गया। तो ये हो गया ए बी और ये समष्टि समुच। इसमें बोल रहा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब जो ए यूनियन बी के अंदर है उसको नहीं, तो मतलब ये वाला पोर्शन छोड़कर, तो क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा। तो इसको हम छायांकित कर देंगे, तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गया, ये हो गया छायांकित। तो ये हो गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे कि हमने क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक ना। तो इस क्या, ये इस तरह छायांकित भाग किया है हमने इसको, ठीक ना। तो जो जो इसके अंदर जो छायांकित भाग है वही ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। तो देखिए पहला भाग कर लिया,
अब देखिए इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरे भाग में क्या दिया है, लिखा है इसमें ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसमें ए का पूरक और बी का पूरक देखते हैं। हम ये वेन डायग्राम बना रहे हैं, ये वेन डायग्राम हो गया, ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी हो गया, ये यू, ये ए और ये बी। तो इसमें देखिए अगर ये ए है, ये पूरा ए है, तो ए डैश क्या होगा, तो इसको छोड़कर बाकी चीज़ों को ए डैश कर देंगे। तो ए डैश का मतलब देखिए छायांकित कर दे रहे हैं हम इसको, ये छायांकित हो गया। ए को छोड़कर बाकी सबको छायांकित कर देंगे तो वो ए डैश प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये है पूरा ए डैश, ठीक ना, बस ए वाले को छोड़कर। और बी डैश क्या हो जाएगा, तो देखिए बी डैश के लिए तो बना लेते हैं, यहाँ पर ये बनाया समष्टि समुच्च बना लिया, ये यू और एक यहाँ लिखा समुच्च ए और ये समुच्च बी के लिए, ये बी और इसमें देखिए बी डैश, ठीक ना। तो B डैश क्या है, ये B वाले को छोड़कर बाकी सब B डैश हो जाएगा। तो इसको पूरा कलर कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो देखिए ये पूरा हमने छायांकित कर दिया, केवल B को छोड़कर, ठीक ना, ये B को। तो इस प्रकार ये B डैश प्राप्त हो गया। तो ये हो गया A डैश और ये हो गया बी डैश। अगर हम इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, अगर हम इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना चाहें तो देखिए क्या बनेगा इसका अंत में जो फाइनल रिजल्ट है, ये हो गया ए और ए बी, ए बी। देखिए हमको क्या करना है, ए डैश और बी डैश, ठीक ना, अच्छे से देखेंगे इसको। ए डैश और बी डैश में जो दो दोनों उभयनिष्ठ स्थान हैं, ठीक ना, उसको हम यहाँ फोटो बनाएंगे, ये आकृति बनेगी। तो अब इसमें देखिए इन दोनों में जो दोनों जो हैं छायांकित भाग है उसी को यहाँ पर हम इसको छायांकित करेंगे। देखिए जैसे अब देखिए जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पर छायांकित नहीं है और यहाँ पर ये वाला छायांकित है, तो देखिए हमको ये नहीं लेंगे हम, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ये छायांकित तो है ही नहीं, ये दोनों जो हैं ऐसे अभी हमको लेने होते हैं, सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में उपस्थित हों। तो देखिए यहाँ पर छायांकित नहीं है, यहाँ पर छायांकित है, मतलब इसमें नहीं है उसमें अवयव है, तो ये वाला पोर्शन तो हमको यहाँ पर छायांकित करना ही नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए ये बी वाला, केवल बी वाला देखिए, बी वाले में यहाँ छायांकित है मगर यहाँ छायांकित है नहीं, मतलब बी में यहाँ अवयव उपस्थित है मगर यहाँ अवयव उपस्थित नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, है ना, कॉमन पार्ट को लेना है। और यहाँ तो ये छायांकित तो है ही नहीं, तो इसकी बात ही खत्म। अब देखिए अगर इस ए और बी अवयव के बाहर बाहर देखिए तो ये सब छायांकित यहाँ भी किया हुआ है और ये यहाँ भी किया हुआ है, ये देखिए बाहर बाहर बस, ठीक ना, दोनों में ओवरलैप हो रहा है, तो उसको ही हम यहाँ पर लिख करेंगे छायांकित भाग। देखिए ये कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ये कर लिया। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हो गया ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, ये है डी मॉर्गन लॉ का ही ये प्रमेय है। अब देखिए अगर हम इसको ओपन करें, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे अगर लिखा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट को अगर ओपन करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आता ही है, ठीक ना, ये डी मॉर्गन लॉ है। तो अगर इसका जो आकृति बनेगा वही आकृति इसका भी बनेगा, और यही चीज़ ये लिखा हुआ है, तो इसका भी आकृति देखिए सेम बन गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न 5 का पहला भाग, पहला और दूसरा भाग हो गया। अब देखते हैं तीसरा भाग।
अब तीसरा भाग में है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ठीक ना। और एक चौथा भाग में है ए पूरक सम्मिलन बी पूरक। तो इनका देखिए क्या बनेगा, पहले हम इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये है सर्वनिष्ठ बना लेते हैं, ये है समिष्टि समुच्च, ये समिष्टि समुच्च बनाया जिसका ये U है, दो समुच्च बना लिया A B। अब इसमें देखिए पहले A सर्वनिष्ठ B निकालते हैं। तो देखिए A सर्वनिष्ठ B का मतलब होता है जो A में भी हो और B में भी हो। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है उभयनिष्ठ पोर्शन। तो ये हमने बना लिया क्या, A सर्वनिष्ठ B बना लिया। अगर हम इसका पूरक ज्ञात करें, ठीक ना, पूरक का मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब जो ये है वो अब इसमें नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो मतलब जो जितना इसमें अभी ये सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद वाला पोर्शन जो इसका फोटो बनेगा उसमें वो काले हो जाएंगे और जो यहाँ काला है वो सफ़ेद हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, इसके आगे जस्ट उल्टा हो जाता है ना, कंप्लीमेंट है। तो ये बनाया समिष्टि समुच्च बनाया, इसके यहाँ दो अव्यय बना लिया, ये ए और ये बी और ये यू। अब इसको देखिए छोड़कर बाकी सबको छायांकित कर देना है। देखिए ए कर दिया पूरा छायांकित, ये वाला पोर्शन जो उभयनिष्ठ वाला है अब वो सफेद रहेगा बस। तो इसका ये आकृति बन गई, ये है वेन डायग्राम इसका। तो ये क्या बन गया, इसको भी पूरा छायांकित करना है। तो ये हो गया ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। तो ये बन गया, अब इसका देखते हैं। तो इसमें देखिए पहले ये इनका पहले आकृति बना लेते हैं, इनके लिए पहले आकृति देखते हैं। देखिए एक ये समिष्टि समुच्च बनाया, ये समिष्टि समुच्च जिसका ये U, इसके दो समुच्च बनाया A और ये B। तो देखिए इसमें ये A है और ये B है। अगर हम इसमें A डैश निकालें, ठीक ना, पहले A डैश को देखते हैं। तो A डैश का मतलब हुआ केवल ए वाला, ए वाले पोर्शन, पहले ए वाले पोर्शन का उल्टा। मतलब अगर ये पूरा ए है ना, ये पूरा ए है, तो ए डैश का मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। तो देखिए बाकी सब को छायांकित हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये कर दिया। ये कर दिया, ये है ए डैश। और यहां पर हम लिख देते हैं फिर बी डैश को भी दिखाते हैं, ये है बी डैश। यहां पर समिष्टि समुच्च, ये रहा समुच्च ए, ये रहा समुच्च बी, ए बी। तो इसमें बी डैश क्या हो जाएगा, तो बी डैश वो हो जाएगा केवल बी को छोड़कर बाकी सब, ठीक ना। तो बी को छोड़कर सब बाकी को छायांकित कर दे रहे हैं हम, ये कर दिया, ये हो गया बी डैश को, ये बी डैश हो गया, ठीक ना। बी को छोड़कर बाकी सब छायांकित, तो बी डैश हो गया। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब देखिए हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन का मतलब वो होता है कि अगर इसमें है तो भी आएगा, इसमें है तब भी आएगा, ठीक ना। या होता है कि या तो ए के अवयव या तो बी के अवयव या इसमें जो भी है। तो देखिए यहां बनाएंगे हम एक समिष्टि समुच्च, ये समुच्च ए बनाया, समुच्च बी बनाया, ये यू, ये ए और बी। अब इसमें देखिए कितना छायांकित भाग है। देखिए यहां से पहले इसमें देख लेते हैं कितने छायांकित है, सब यहां पहले लिखा है ना, ये है ए सम्मिलन ए डैश सम्मिलन बी डैश। तो पहले इसके सभी छायांकित भाग यहाँ लिख कर लेते हैं पहले छायांकित। देखिए ये रहा छायांकित पूरा, ये यहाँ से ये वाला इसमें छायांकित नहीं है, पहले वाले में ये इतना कर दिया,
है ना, मतलब पहले हम पहले वाले आकृति के सभी अवयवों को हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब जो हमको इस वाले से प्राप्त होगा उसको भी हम छायांकित कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या छायांकित मिलेगा, देखिए ये वाला पोर्शन हमको यहाँ पर ये छायांकित मिल जाएगा, यहाँ भी छायांकित है ना, तो यहाँ हम इसको छायांकित कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यही भर रह गया, ठीक ना। तो देखिए ये डी मॉर्गन ला था, अगर इसको ओपन करेंगे, ठीक ना, ये दूसरा है, देखिए दूसरा में है डी मॉर्गन लॉ का दूसरा नियम है, ए सर्वनिष्ठ बी का अगर पूरक का वो ओपन करेंगे तो जो ए पूरक है ना, एक पूरक सम्मिलन बी का पूरक, तो इसका मतलब जो आकृति इसकी बनेगी उसका उसी की आकृति ये भी यही बनेगी। तो इस प्रकार इनके वेन डायग्राम हमने बना लिया। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले इनको लिख लेते हैं। देखिए समष्टि समुच्चय क्या है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इस प्रकार लिख लिया। और ए क्या है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, ए डैश हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखा है, ये देखिए ये जो समिष्टि समुच्चय है ये क्या है, एक त्रिभुज का समुच्चय है ये, ठीक ना। मतलब इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक ना, जितने भी प्रकार हम जानते हैं सभी का ये समुच्चय बन गया हमको। अब इसमें देखिए क्या है, एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन बनता है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, तो हम ज्ञात करते हैं पहला कंडीशन कि तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर हो, ठीक ना। तीनों कोण हमने ले लिया तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, बस ये एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा जिसके सभी कोण 60 डिग्री से कम के बराबर हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में है कि अगर हम एक देखिए पहला इसमें देखिए एक कोण अगर 60 डिग्री से भिन्न करें से भिन्न हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री से भिन्न हो मतलब कि केवल एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, मतलब दो कोण 60-60 ही हो। तो देखिए ठीक ना, एक कोण 60 डिग्री से अलग हो मतलब दो कोण तो 60-60 हो, बाकी एक कोण जो बचा वो अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार का त्रिभुज तो संभव है ही नहीं। देखिए अगर हम दो कोण ही 60-60 ले लेते हैं तो इसका मान ये हमको प्राप्त हो जाएगा 120, ठीक ना। और देखिए अगर 120 हो गया और हमको तीन कोणों का योगफल 180 लाना है तो तीसरा कोण ये 60 डिग्री को लाना ही लाना पड़ेगा, ये होगा ही होगा। तो अगर ये इस तरह तीसरा कोण भी 60 डिग्री करेंगे तो फिर वापस तीन ये समबाहु त्रिभुज ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर हो, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, या समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो देखिए अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी ही, तो इस प्रकार ये वाला कंडीशन तो नहीं हो सकता, ठीक ना। अब देखिए थर्ड में देखिए
दो कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, ठीक ना। तो दो कोण अगर 60 डिग्री से भिन्न है तब तो ये एक प्रकार से ये संभव हो जाएगा। देखिए एक हमने 60 ले लिया और एक ले लिया 70, तो ये हो जाएगा 50, ठीक ना। तो इस प्रकार तीनों कोण का योगफल 180 हो गया, 7, 5, 12 और 6, 180 हो गया। तो देखिए इसमें ऐसा कंडीशन है जिसके दो कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब एक कोण 60 है बाकी दो अलग अलग हो गया, तो ये ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब कोई भी कोण 60 डिग्री के बराबर नहीं हो। तो कोई भी यहाँ कर लीजिए, 70 कर लेते हैं, इसको 80 कर लेते हैं और इसको 30 कर लेते हैं, तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमको देखिए ये कौन सा समुच्चय दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। देखिए कम से कम का मतलब होता है कि इसमें एक कोण कम हो, भिन्न हो, दो कोण भिन्न हो या तीनों कोण भिन्न हो, ठीक ना। कम से कम का मतलब होता है कि अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो चूंकि इसके त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं तो तीन ही कोण का अलग अलग हो सकते हैं 60 डिग्री के से। तो देखिए पहला तो कंडीशन हुआ ही नहीं, देखिए दो है, दो कोण भिन्न हो सकते हैं, तीनों कोण भिन्न हो सकते हैं, ठीक ना। तो बोला कि अब देखिए इसमें तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर वाला ही एक हमको ये बचा जो पूरक का काम करेगा, ठीक ना। मतलब जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, इसका पूरक क्या होगा कि तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर हो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमको यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो का मतलब देखिए दो कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो, ये इस प्रकार के त्रिभुज इसी के अंदर आ जाएगा। तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न हो तो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो बच क्या गया, ऐसा कंडीशन जो तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर हो, यही कंडीशन बच गया और इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जो इसका पूरक का हो गया, ठीक है। तीरथ देखिए प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। देखिए इसमें पहला है कि यदि इसके पूरक के संग सम्मिलन करें तो ये हमको समष्टि समुच्चय प्राप्त होता है, ठीक ना। मतलब ए के अवयव और ए डैश के अवयव दोनों के अवयव को मिलाएंगे तो हमको समष्टि समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेकेंड में है, इसमें लिखा है फाई का डैश, मतलब रिक्त का पूरक क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा यू हो जाएगा और इसका सर्वनिष्ठ ए के संग, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या प्राप्त होगा, तो ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद ए सर्वनिष्ठ ए डैश, मतलब देखिए ए का अवयव अलग होता है और ए डैश का अवयव अलग, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा फाई। इसी प्रकार ए यूनियन डैश, यूनियन का डैश है ना, मतलब यूनिवर्सल का डैश बोल रहा है, तो इसका मतलब ये फाई के संग सर्वनिष्ठ करना है ए का, तो खाली के संग ए का सर्वनिष्ठ करेंगे तो हमको ये खाली ही प्राप्त होगा, मतलब ये फाई प्राप्त होगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।